नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पुरानी सरकार बोले पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, फ्रंट सीट के लिए अड़ गए नेताजी साहब ने कुचलवा दी फाइलें। अपने अलग अंदाज और बयानों से पुरानी सरकार लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पब्लिक कनेक्ट के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, सेल्फ मेड प्रोग्राम के जरिए वे सीधे जनता से जुड़े हैं। हाल ही में राजधानी में उनका पुराने मित्रों से मेल मुलाकात का प्रोग्राम हुआ, इसमें गीत संगीत भोजन और भाषण सब कुछ हुआ। माइक पर अपने भाषण के अंत में उन्होंने कह दिया कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, अभी इंटरवल हुआ है। सियासी गलियारे में उनके इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है वह लगातार ऐसे बयान देकर लाइमलाइट में बने हैं। फ्रंट सीट नहीं मिली तो नहीं बैठूंगा। दिल्ली की राजनीति से सूबे की सियासत में लौटे एक नेताजी फ्रंट सीट के लिए अड़ गए। असेंबली में सीटिंग अरेंजमेंट हुआ तो नेताजी नाराज हो गए। दरअसल हाउस में जो बैठक व्यवस्था बनाई गई है उसमें कई सीनियर्स को पीछे की सीटें अलॉट हुई, इस पर नेताजी रूठ गए। उन्होंने दो टुक कह दिया कि पीछे की सीट अगर मिलेगी तो वह हाउस में बैठेंगे ही नहीं। सुना है कि नेताजी की नाराजगी को देखते हुए एक बार फिर से सीटिंग अरेंजमेंट बदला जा रहा है। साहब ने जाने से पहले नष्ट करवाई फाइलें। सरकारी महकमे के लिए सबसे अहम विभाग के मुखिया लंबे समय बाद लूप लाइन में भेज दिए गए। काफी पहले से उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वह अब इस विभाग में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, लिहाजा उन्होंने बड़े पैमानों पर फाइलें नष्ट करवा दी। फाइलों को कहीं फिकवाया या जलवाया नहीं बल्कि मशीन से फाइलें क्रश करवा दी ताकि रद्दी में से कोई भी पन्ना जिन बनकर बाहर ना आ जाए। साहब की विदाई के बाद अब मातहतों में चर्चा है कि आखिर फाइलों में ऐसा क्या था कि जो साहब ने जाने से पहले खत्म करा दिया। नेताजी की सत्ताधारी दल में एंट्री का सूत्रधार कौन? एक बड़े शहर के मुखिया अपनी पार्टी छोड़कर कमल दल मतलब सत्ताधारी दल में शामिल हो गए। इस हृदय परिवर्तन की वजह उन्होंने राम नाम की धुन बताई, जबरदस्त चर्चा हो रही है। हुआ यूं कि जब नए दल में एंट्री की औपचारिकताएं निभाई जा रही थी तब एक ऐसा शख्स सक्रिय दिखा जिस पर लाट साहब के नाम पर झांसेबाजी करने का आरोप है। उसने सरकार के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने झिड़क दिया, लेकिन जैसे ही दलबल की रस्म अदायगी पूरी हुई और नए मेहमान जाने लगे तो वह शख्स उनकी गाड़ी ड्राइव करते दिखा। अब चर्चा है कि हाई प्रोफाइल मामले में घिरे व्यक्ति के जरिए नेताजी ने सत्ताधारी दल में एंट्री मारी है या नेताजी के जरिए नटवर लाल सत्ताधारी पार्टी में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। पुराने करीबी टेस्ट से दुखी कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, कुछ इसी तर्ज पर नेताओं से ज्यादा उनके करीबी ज्यादा रौब झाड़ते हैं। हालांकि सरकार बदलते ही अब नजारे भी बदल गए हैं। बेरोक टोक एंट्री हुआ करती थी वह अब उन्हें भी पूरी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ रहा है। स्टाफ को ये भी ताकीद किया गया है कि जब तक बुलाया ना जाए तब तक घर के अंदर एंट्री ना करें। सरकार नए हैं तो सिस्टम भी बदलेगा, बदले सिस्टम से कई सीनियर लोग दुखी हैं। मैं सबसे मजबूत उम्मीदवार हूं बाबा की नगरी के एक नेताजी इन दिनों खासे नाराज हैं। दरअसल वे जहां से चुनाव जीत चुके हैं वहां अब उनकी पार्टी के दूसरे नेता काबिज हैं और इस इलेक्शन में भी मौजूद लीडर के सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, इससे पुराने नेता नाराज हैं। नेताजी इस बात से और ज्यादा आग बबूला है कि पार्टी के पैनल में उनका नाम नहीं है, यानी आगे भी उनकी वापसी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। अब वह सबसे ये कह रहे हैं कि मैं सबसे मजबूत उम्मीदवार हूँ, मेरी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और अंत में चार्ज क्या मिला, कुर्सी पर ही कब्जा कर लिया। विरोधी दल के नेता पार्टी के काम से दिल्ली दरबार चले गए। जाने से पहले उन्होंने विधानसभा में अपनी गैर मौजूदगी में डिप्टी को चार्ज दिया, लेकिन सदन में छोटे नेता जी जैसे ही पहुंचे तो बड़े साहब के चेंबर में जाकर उनकी सीट पर बैठ गए। ये देखकर बड़े साहब के दफ्तर के कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। चूंकि मामला माननीयों की अंडरस्टैंडिंग का था इसलिए कर्मचारी चुप रहे, लेकिन छोटे सरकार जब हाउस के अंदर पहुंचे तो वहां भी बड़े साहब की सीट पर जाकर बैठ गए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।
शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।